guys, welcome back to my YouTube channel Biology Kingdom. We are doing chapter Biotechnology Principle and Processes. Our today's topic is cutting off DNA at specific location. तो अब हम जो DNA को हम स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं तो उसमें हमारी हेल्प करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो हम उसी का थोड़ा बहुत वर्क देखेंगे. डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड DNA मॉलिक्यूल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम. अब हम क्या करते हैं, हमें अगर वो स्पेसिफिक एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस था उसको प्रॉपर फंक्शन चाहिए, तो सबसे पहले हम जो प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको इंक्यूबेट करेंगे किसके साथ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमल कंडीशन पे. तो हमें क्या मिलेगा, वो स्पेसिफिक एंजाइम मिलेगा. एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ी थी उससे क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कितना प्रोग्रेशन हो रहा है. डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड. हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए एनोड की तरफ मूव करता है. द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए. अगर हमें प्रोसेस रिपीट करनी है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वेक्टर डीएनए की हेल्प से. द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस. आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद specific restriction enzyme, the gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. अब जब हम सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, उसके बाद हमें क्या मिलता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. कहाँ से, सोर्स डीएनए से. और जो वेक्टर डीएनए होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लाइगेज की मदद से ऐड कर देते हैं. दिस रिजल्ट्स इन अ प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये भी एक स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए. अब जो फिफ्थ जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए. तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. एम्प्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं. अब हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्यों बनाते हैं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट पे और हमारा वो एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, प्रोसेस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था वो प्रोसेस हमें स्टार्टिंग से रिपीट करनी होगी. अगर हम स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं ताकि अगर हमारा एक एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है तो हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट दूसरी कॉपी लें और वहीं से वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें अपना. मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए और एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम चाहिए. प्राइमर क्या होता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंटेड टू द रीजन ऑफ डीएनए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है. तो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स को हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं. तो जब इस प्राइमर्स होते हैं हमारे शॉर्ट आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल जो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, और ये क्या होता है कि जहाँ पे ये हमें प्राइमर हमें यूज़ करने होते हैं ये उस रीजन के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैरिड आउट यूजिंग पीसीआर इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स. अब एम्प्लीफिकेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, पीसीआर. और पीसीआर में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन. तो इसमें क्या होता है, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट. Each separated single-stranded strand now act as template for the synthesis of new DNA strand. अब denaturation की प्रोसेस में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हम उसको डीनेचर कर देते हैं by applying high temperature of 95 degree Celsius for 15 minutes. अब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करते हैं और एक नए डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं. सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो स्टेप है वो है एनियलिंग. तो इसमें क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर आर एडेड विच एनियल एट द 3 डैश एंड ऑफ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड दे मार्क द बिगनिंग ऑफ रेप्लीकेशन. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्राइमर ऐड कर देते हैं और कहाँ पे ऐड करते हैं, 3 डैश एंड ऑफ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम 3 डैश एंड पे ही क्यों उसको ऐड करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये चेन को सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, वो है 5 डैश टू 3 डैश, इसलिए हम प्राइमर्स को 3 डैश पे ऐड करते हैं. दे मार्क द बिगनिंग ऑफ रेप्लीकेशन, यहाँ से रेप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होती है, बिगिन होती है। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैक पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द रिएक्शन। इस एक्सटेंशन के स्टेप में हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो प्राइमर हमने ऐड किया था एनियलिंग स्टेप में, उनको क्या करता है, एक्सटेंड करता है बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द रिएक्शन। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है जो डीएनए के जो टेम्पलेट के क्या हो, डीएनए के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री हो। द साइकिल ऑफ डीनेचुरेशन एनियलिंग एक्सटेंशन इज रिपीटेड सेवरल टाइम टू ऑब्टेन सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो यहाँ पे डायग्राम से शो किया है डीनेचुरेशन एनियलिंग और एक्सटेंशन की प्रोसेस को। इस रीजन का एम्प्लीफिकेशन करना था तो हमने हीट दी, यानी कि डीनेचुरेशन की प्रोसेस की, तो ये जो दो स्ट्रैंडेड डीएनए के वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। फिर हमने एनियलिंग प्रोसेस में यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिए। प्राइमर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया और यहाँ पे एक्सटेंशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। एक्सटेंशन की प्रोसेस में जो हमने प्राइमर ऐड किए थे वो क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। और आफ्टर 30 साइकिल जो यहाँ पे ये डीएनए, जो एक डीएनए की जो कॉपी थी वो क्या हो गई, दो डीएनए की कॉपीज में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, नेम द सोर्स ऑफ एगर एगर। एगर एगर का सोर्स क्या होता है, तो एगर एगर का सोर्स होता है जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। और ये कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, ये होते हैं रेड एल्गी, या हम कह सकते हैं ये एक टाइप की रेड एल्गी है। सेकंड क्वेश्चन है, टेक्निक यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने अभी पढ़ा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो वो है डीनेचुरेशन, एनियलिंग एंड एक्सटेंशन। फोर्थ क्वेश्चन है, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर एंड इट्स स्पेशलिटी। तो जो एंजाइम हमने यूज़ किया था वो था टैक पॉलीमरेज और उसकी ये स्पेशलिटी थी, इट कैन रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर टू इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ एंजाइम यूज इन पीसीआर। जो हमने एंजाइम यूज़ किया था टैक पॉलीमरेज, उसका सोर्स क्या था, तो उसका सोर्स था थर्मस एक्वाटिकस। नाउ क्लोनिंग वैक्टर। अब क्लोनिंग वैक्टर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है वैक्टर क्या होता है, तो वैक्टर होता है जो फॉरेन डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है। तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर कॉमनली यूज क्लोनिंग वैक्टर। Both these have ability to replicate within the bacterial cell independent of the chromosomal DNA. इन दोनों जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, दोनों के पास रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है, ये easily बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर लेते हैं और ये क्रोमोसोमल डीएनए पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरियोफेज हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर हाई होता है बैक्टीरियल सेल में। प्लाज्मिड में हैव 1 to 2 कॉपी नंबर और 15 to 100 कॉपी नंबर पर सेल। If foreign DNA is linked to these vector, then it is multiplied to the number equals to the copy number of vector. Features present in a vector itself help in a easy isolation of recombinant from non-recombinant. अब जो वेक्टर के में जो कुछ फीचर्स होते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से आइसोलेट करने में। कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाइए। फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो हमें क्लोनिंग के लिए क्लोनिंग में रिक्वायर होते हैं। तो फर्स्ट है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में हम बोलते हैं ORI। रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम ORI, तो जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है ORI से। वैन एनी फ्रेगमेंट ऑफ DNA लिंक टू ORI कैन मेड टू रेप्लिकेट। अगर हम किसी DNA के फ्रेगमेंट्स को ORI पे लिंक कर दे तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। जो ORI होता है ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अगर हमें किसी टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो हमें उसको ऐसे वेक्टर में क्लोन करना होगा जिसका ओरिजिन हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। सेकंड है इसमें सेलेक्टेबल मार्कर। फर्स्टली जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये एक टाइप्स के जीन होते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को परमिट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर E. coli. E. coli सेल डो नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। थर्ड जो फीचर है वो है क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। तो यही होता है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग प्रोसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड व्हेन मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट। अब जो क्लोनिंग की जो प्रोसेस होती है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट कहाँ होती है, प्रेजेंट होती है। देयरफॉर लाइगेशन इज कैरिड आउट ओनली एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसलिए जो लाइगेशन की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ वहाँ पे कैरी आउट होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हेल्प इन सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में कैसे हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज टेट्रासाइक्लिन जीन हैज़ BamH1 रिकॉग्निशन साइट, वी लाइगेट अ फॉरेन DNA एट BamH1 साइट। तो यहाँ पे कहा गया है सपोज एक टेट्रासाइक्लिन जो जीन है उसकी BamH1 रिकॉग्निशन साइट है और यहाँ पे हम एक फॉरेन DNA को क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्जन ऑफ फॉरेन DNA। अब जो रिकॉम्बिनेंट DNA था वो अपनी जो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस था उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या डाल दिया है, फॉरेन DNA डाल दिया है। That can still be selected out from the non-recombinant one by plating the transformants on tetracycline-containing medium. The transformants growing on ampicillin-containing medium are then transferred on a tetracycline-containing medium. अब जो transformants को हम ampicillin-containing medium में grow कर रहे थे उनको हम transfer कर देंगे tetracycline-containing medium में। The recombinant will grow in ampicillin-containing medium but not in tetracycline medium. अब जो recombinant होंगे वो एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन बोथ, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो दोनों में ग्रो करेंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स दैट इज एम्फिसिलिन, वेयर एज अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेट ड्यू टू इंसर्जन ऑफ एलियन DNA एंड हेल्प्स इन अ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट दैट इज टेट्रासाइक्लिन। अब एट अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर। अब अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये क्या करता है, ये कलर प्रोड्यूस करता है इन अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब हम रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट करते हैं किस में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। इट दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जीन होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था वो इनएक्टिवेट हो जाता है। इट इज referred as insertional inactivation। इसी को हम कहते हैं insertional inactivation। The presence of chromogenic ligase give blue color colonies if the plasmid in a bacteria does not inserted। अब प्लाज्मिड होता है वो अगर बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट नहीं हुआ है तो वो कौन सा कलर देगा, वो ब्लू कलर देगा। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो ब्लू कलर देंगे और जो रिकॉम्बिनेंट है वो वाइट कलर या कलरलेस हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।